बैक टू प्रियोनिक व्लॉग्स एंड वेलकम टू न्यू व्लॉग। आज है हमारा देहरादून में डे टू। आज का क्या प्लान है हमारा? आज का पहले मेरी यहाँ पे मौसी रहती है, उनके यहाँ जा रहे हैं। आगे का प्लान एक बार उनसे कोशिश करते हैं, नहीं तो हम लोग मसूरी तो ऑलरेडी हम जा चुके हैं दो तीन बार, लेकिन आज इस बार शायद से अगर धनॉल्टी वगैरह का क्या है वो पता कर लूं मैं, तो उस हिसाब से अभी प्लान करते हैं। क्योंकि अनप्लान्ड है सब कुछ, अभी प्लानिंग धीरे धीरे करके रास्ते में निकले मसूरी में, लेकिन धनॉल्टी का क्या सीन है इस बार देखना पड़ेगा। क्योंकि धनॉल्टी में सर्दियों में बर्फ गिरती है, और ऐसी बर्फ गिरती है कि गाड़ियां फिसलती हुई जाती है वहाँ पे पूरे पहाड़ के ऊपर। कम से कम नई जगह तो होगी एक्सप्लोर करने के लिए। तो गाइज जो भी करेंगे आपके साथ में पूरे दिन का हम लोग ये शेयर करने वाले हैं, ठीक है। चैनल में नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कैसे देख लेना हम दोनों येल्लो येल्लो टट्टी टट्टी बन के जा रहे हैं। येल्लो येल्लो, मैंने येल्लो पहन लिया तो मेरा देख देख के तुमने भी पहन लिया। येल्लो नहीं है, ये ब्राउन है, ब्राउन टाइप। ब्राउन नहीं है, येल्लो ही है, येल्लो का ही शेड है। क्या बोलोगे आप इसको? कॉपर ब्राउन। कॉपर ब्राउन मेरा बनाना है, कॉपर ब्राउन। सो गाइस बने रहिए व्लॉग में आज के। सो गाइस जस्ट होटल से निकलते ही था फ्रूट शॉप, मैंने ले लिया था नारियल पानी पीने के लिए। गाइस चेकआउट कर चुके हैं, हमारी मिनीमा स्टार्ट हो चुकी है। अब हम जा रहे हैं थोड़ी देर के लिए मौसी के घर पे, उसके बाद आगे का प्लान हम करने वाले हैं। 3 hours later. So guys, हम लोग निकल रहे हैं अभी धनॉल्टी के लिए। उससे पहले हम लोग जैसे कि मौसी के घर में 2-3 घंटे से हम लोग लगातार वहीं थे, और हमने वहाँ खाना वाना खाया, और इसके बाद हम लोग अभी 3 बजे हैं अप्रॉक्स, और हम 3 बजे निकल रहे हैं धनॉल्टी के लिए। और ये है कि धनॉल्टी हम लोगों के लिए न्यू प्लेस न्यू ही रहेगा। यहाँ से जहाँ से हम जा रहे हैं वहाँ देहरादून टू धनॉल्टी अप्रॉक्स 50 किलोमीटर्स है, 33 बस 33 किलोमीटर है यहाँ से धनॉल्टी। तो जल्दी से हम लोग जा रहे हैं और आपको भी नज़ारा दिखाएंगे धनॉल्टी का। सो गाइज हमने रास्ता तो पकड़ा था धनॉल्टी का, बट गूगल मैप की वजह से हम किसी और रास्ता पहुंच गए थे। पहले धनॉल्टी था 33 किलोमीटर देहरादून से, बट गलत रास्ता पकड़ने की वजह से धनॉल्टी 65 किलोमीटर बता रहा था, और हम बहुत आगे तक चले गए थे, और रास्ता भी जो हमें मिला था वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब रास्ता था। तो शाम हो रही थी धीरे धीरे, इसलिए निक को टूटे फूटे रास्ते से जाना सही नहीं लगा। और अगर आप भी राइड करके बाइक से और कार से जाते हैं तो गूगल मैप को देखते हुए भी साथ में आप लोकल, वहाँ के लोकल से भी पूछ पूछ के ही जाने में फ़ायदा है। कई बार गूगल मैप के थ्रू गलत रास्ता भी मिल सकता है। देन हमने डिसाइड करा कि आज आगे ना जाकर धनॉल्टी वापस देहरादून चलते हैं, और वहाँ से मसूरी के लिए रोड पकड़ते हैं। मसूरी टू धनॉल्टी भी पास है काफ़ी, तो वहाँ हम नेक्स्ट डे ट्रैवल कर लेंगे। सो हम वापस आ रहे थे देहरादून, एंड अगेन हमने सफ़र किया देहरादून टू मसूरी उस दिन, एंड जा पहुँचे मसूरी द क्वीन ऑफ हिल्स। बट उस दिन बहुत ज़्यादा बारिश स्टार्ट हो गई थी, पूरे रास्ते हम दोनों भीग कर नॉन स्टॉप राइड करके पहुँचे थे मसूरी। बट गाइज रास्ते का जो व्यू था वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था, इतने अच्छे नज़ारा का मज़े लेते हुए चले जा रहे थे हम दोनों भीगते हुए। तो गाइज फाइनली हम आ पहुँचे मसूरी, और यहाँ वैकेशन में जितनी भीड़ नहीं होती उससे कई ज़्यादा भीड़ थी, मानो पूरी दिल्ली हरियाणा और यूपी यहाँ आ चुका है, बहुत ही ज़्यादा रश था। एंड हम बाइक से थे तो छोटे छोटे कट्स लेकर के आगे बढ़ते थे, बट कार वालों के लिए तो आफत सी आ गई थी, इतना ज़्यादा जाम था। गाइस रोना आ गया है, ठीक है। आज का दिन हमारा फुल एडवेंचर रहा। हम कहाँ जाने वाले थे? हम जाने थे धनॉल्टी। आधे रास्ते में से वापस आए हैं हम धनॉल्टी में से। धनॉल्टी से फिर हम लोग आए यहाँ पे, क्योंकि रोड हमें गलत मिल गई थी, मतलब रास्ता गलत था, टूटा फूटा रोड था वो, आई थिंक करेक्ट रास्ता नहीं था, शॉर्टकट के वजह से हम लोग उस रोड में मुड़ गए थे। देन हमें दोबारा देहरादून वापस आना पड़ा, फिर हमने मसूरी का रूट लिया, और पूरे रास्ते सुबह से हम सिर्फ गीले हैं। ये देखो कलर आपको चेंजेस नज़र आ रहा होगा, ये देखो ऐसे गीले हो रखे हैं, सारे बैग गीले, कपड़े गीले, जूते गीले, सब गीले, बाल गीले, सब कुछ गीला। मतलब मुश्किल से हमें मसूरी हम पहुंचे। मसूरी पहुंचने के बाद पीछे देखो गाइस, आपको बारिश दिख रही होगी, यहाँ से भी दिख रही होगी बारिश। देखो मॉल रोड में आकर के हमें मुश्किल से होटल मिला,
ठीक है, क्योंकि इतनी ज्यादा यहाँ पर भीड़, इतनी ज्यादा यहाँ पर भसड़ हो रखी है, सारे दिल्ली वाले उठ के यहाँ मसूरी में आ रखे हैं, तो पूरा होटल वगैरह भी पैक्ड चल रहा है सब कुछ। तो मॉल रोड में हमने होटल ले लिया है, बहुत ही बेसिक सा रूम मिला है हमें, ठीक है, ये भी मिल गया, बहुत बड़ी बात है। इसका भी कॉस्ट एकदम हाई फाई वालों जैसा है, 2500-3000 तक का होटल यहाँ पर मिल रहा है, क्योंकि सैटरडे संडे वीकेंड है गाइस, सब लोग उठ के यहाँ आ जाते हैं। तो पीछे आप कंटिन्यू देख सकते हैं बारिश कैसी हो रही है। तो बस अभी थोड़ा सा फ्रेश होने के बाद डिनर ही बचा है हमारा, पूरा दिन हमारा ऐसे ही गया। हम ना जब से निकले हैं घर से कुछ भी एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ रोड से जा रहे हैं, बाइक है हमारे पास। हमें ना पुलिस वालों ने ना गाइड कर दी जहाँ होटल मिला, होटल मिलने का पुलिस वालों ने बोला कि आप एक काम करो, आप वापस जाओ, वहाँ से एक रास्ता आ रहा है सीधा ऊपर, आप बाइक से वहाँ पे आ जाना। और खतरनाक, लिटरली वो रास्ता ऐसा था, 90 गिरते गिरते बचे हैं, ऑलमोस्ट 90 डिग्री के बराबर मान के चलो, मतलब 75-90 ऐसे, और सीधा खड़ा रास्ता, और वहाँ पे बाइक हालत खराब हो गई थी। मैं आधे रास्ते में से पैदल पैदल आई हूँ होटल तक, मैं तो बाइक से उतर गई थी, ठीक है, क्योंकि निक से ना मतलब डबल का लोड नहीं झेला जा रहा था इसी वजह से, और उसके लिए भी इतनी खड़ी चढ़ाई में बाइक चलाना फर्स्ट टाइम था आई थिंक। हम आए हुए हैं मगर इस तरीके से डबलिंग में नहीं हुई, नहीं, नॉर्मली वहाँ पे हो क्या रहा था। प्रॉब्लम मेरे साथ में ये हुई थी, मेरे शूज की ग्रिप नहीं बन रही थी और कंटिन्यूसली बारिश हो रही, और वो रोड ऐसी नहीं थी कि वहाँ ग्रिप बन पाए, बहुत मुश्किल से हम लोग ऊपर चढ़े। तो गाइस अभी हम मिलेंगे आपसे अब बाद में, थोड़ा सा फ्रेश होने के बाद, नहाने के बाद, देखते हैं अब आगे का क्या करते हैं। हाँ, जब से हम आए हैं पर्टिकुलरली कहीं हम लोग मतलब कोई जगह नहीं घूमे हैं, हम खाली रोड से चलते जा रहे हैं, दिल्ली से निकले हैं चलते जा रहे हैं। पहले हम देहरादून तक पहुँचे, देहरादून में फिर हमने एक दिन स्टे किया, उसके बाद रिलेटिव के घर में गए, उसके बाद हम लोग निकले थे कहीं और के लिए, पहुँच कहीं और गए हैं, इस तरीके से हमारा ट्रिप चल रहा है गाइस, लिटरली बता रही हूँ, इतना अनप्लैंड। हमारे अनप्लैंड ट्रिप में भी कभी कभार मजे आ जाते हैं, मगर इस बार तो अनप्लैंड का धजिया उड़ चुका है, ठीक है, कोई मजे भी नहीं आ रहे। अब देखते हैं आगे का क्या रहता है हमारा, चलते जा रहे। और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग की वजह। सो गाइस काफी देर के रेस्ट करने के बाद, फ्रेश होने के बाद, रेस्ट करने के बाद, अब हम जा रहे हैं डिनर करने के लिए बाहर। मेरा कुछ मूड नहीं है वैसे खाने का, क्योंकि सुबह मैंने मॉर्निंग में पिज्जा खाया था, तब से मेरा पेट बिल्कुल फुल है। निक का मूड है बिरयानी खाने का, लेट्स सी। मॉल रोड में चलते हैं अब, बारिश अभी भी कंटिन्यू हो रही है, छतरी निक ने खरीद लिया है, वो नीचे वेट कर रहा है मेरा। अब हम देख लेते हैं क्या खाना है क्या नहीं खाना डिनर में। गाइस देखिए अभी भी हो रही है बारिश कंटिन्यू, ये रुकने का नाम नहीं ले रहा, और जाम अभी भी लगा हुआ है पूरे में जाम। गाइस मुझे इतनी ठंड लगने लग गई यहाँ पर, मैंने यहाँ पर 100 रुपीज का ये वाला स्टॉल खरीदा, निकने छाता खरीदा, बहुत बड़ा छाता है, दोनों फिट आ रहे हैं इसमें, और शॉल यहाँ पर मसूरी में आपको ये 100 रुपीज़ तक में मिल जाएंगे, 200 जो बोलते हैं उनसे मत लेना, 100 रुपये में आता ही है, ठीक है। तुमने ये छाता कितने का खरीदा? 300। थोड़ा बार्गेनिंग तो करना चाहिए था। हम अभी घूम रहे हैं मसूरी के बारिश में माल रोड। तो हमने मंगवाया था बिरयानी एंड मैंने मंगवाया था एग करी, एंड टेस्ट इज़ सो गुड। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहाँ पर ख़त्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट डे न्यू वीडियो के साथ में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर एंड बाय बाय।